वेलकम वेलकम टू द चैनल। मैं कंचन और आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ विंटर स्पेशल मेकअप ट्यूटोरियल कि आप किस तरह से ग्लो ऐड कर सकते हैं अपने रेगुलर मेकअप लुक में। वैसे भी सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में हमारी स्किन ड्राई हो जाती है और हम ड्राई स्किन पर जब मेकअप के लेयर्स अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन और ज़्यादा ड्राई और डल दिखने लग जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान पर रखते हुए मैंने आज का ये विंटर स्पेशल ग्लो मेकअप ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करूँगी और साथ साथ ये भी शेयर करूँगी कि आप किस तरह से SPF सनस्क्रीन के साथ मेकअप लुक कर सकते हैं, क्योंकि विंटर्स आ गए हैं और विंटर्स में ना हमें धूप में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, हम ज़्यादा इंजॉय करते हैं धूप में। बट ये समझना कि विंटर्स में हमारी स्किन टैन नहीं होगी, डल नहीं होगी, तो ये बिल्कुल गलत है। हमारी स्किन उतनी ही टैन होती है जितनी कि गर्मी में होती है। तो अगर आप सर्दियों में बिना सनस्क्रीन के बाहर चले जाएंगे, इंजॉय करेंगे धूप में, तो आपकी स्किन का टैन होना, डल होना डेफिनेटली श्योर है। तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए एंड ये हॉलीडे मेकअप लुक होगा तो बहुत ही ऑल ओवर जो मेकअप लुक होगा बहुत ही लाइट और क्विक होगा। आई लुक भी मैंने बहुत ईजी रखा है जो कोई भी क्रिएट कर सकता है। तो कुछ अच्छे विंटर मेकअप टिप्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को शुरू करने के पहले टेक अ मोमेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इस तरह के और भी स्किन केयर, ब्यूटी एंड मेकअप रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए, और घंटी के आइकन को प्रेस जरूर करेगा, इससे आपको हर बार नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ। तो चलिए देख लेते हैं आज का विंटर स्पेशल मेकअप लुक। सबसे पहले हम अपने फेस को क्लीन करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है नेचर तत्व ऑर्गेनिक रोज वाटर। विंटर्स आ गए हैं, चेहरा वैसे भी ड्राई हो जाता है, तो बार बार अपने चेहरे को मैं फेस वॉश नहीं करूँगी। मेरे चेहरे में सिर्फ मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन है, तो उसे रिमूव करने के लिए मैं जस्ट रोज़ वाटर का यूज़ कर रही हूँ और अपने चेहरे को वाइप कर ले रही हूँ। देन मैं यूज़ करूँगी अर्मा मैजिक का इंस्टेंट रेडियंट ग्रीन टी पैक, जो इस तरह से क्रीम फॉर्म में आता है और चेहरे को बिल्कुल ड्राई नहीं करता है। विंटर्स में ना हमें इस तरह के फेस पैक ही लगाने चाहिए जो हमारी स्किन को ड्राई नहीं करे। तो इसे मैं इवनली अपने चेहरे पे अप्लाई कर लूँगी। मैंने कुछ टाइम पहले अर्मा मैजिक के प्रोडक्ट्स का हॉल शेयर किया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप चेकआउट कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है उस वीडियो के। तो इसे जस्ट इवनली अप्लाई कर लूँगी और हमें वेट करना है 10 to 15 मिनट्स तक। ये जब ड्राई हो जाएगा तो मैं इसे जस्ट वाइप आउट कर लूँगी। अभी ना बहुत ट्रेंड में है शीट मास्क लगाना, जो आपकी स्किन को इंस्टेंटली मॉइस्चराइज करते हैं और ग्लो देते हैं, और ये अर्मा मैजिक का ये इंस्टेंट रेडियंट जो ग्रीन टी पैक है ना, ये फार बेटर है उन सभी से, क्योंकि ये हर तरह के केमिकल से फ्री है और आपको बहुत अच्छा ये रिजल्ट देता है। तो इस तरह से मैं अपने फेस को क्लीन कर लूँगी, ड्राई कर लूँगी, तो आप देख सकते हैं एक इंस्टेंट फ्रेशनेस आ जाता है चेहरे पर इसे अप्लाई करने के बाद। देन मैं थोड़ा सा अपना स्किन केयर भी कर लूँगी। मैं अप्लाई कर रही हूँ टोनर, ये अर्मा मैजिक का ऑयल फ्री टोनर है। देन मैं अप्लाई करूँगी अपना मॉइस्चराइज़र, ये सेम अर्मा मैजिक का जूनीपर बेरी ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है। क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो मैं बिल्कुल भी अपने प्रोडक्ट्स को स्विच नहीं करती हूँ, मैं कुछ प्रोडक्ट्स को और ऐड कर लेती हूँ लाइक फेशियल ऑयल्स, स्पेशली इन विंटर्स में, जो मेरी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। वैसे भी देख लीजिए पिम्पल्स तो आते ही हैं जब आपकी स्किन ऑयली हो तो। देन मैं अप्लाई करूँगी सनस्क्रीन, आपको मिनिमम 30 SPF का सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। ये अर्मा मैजिक का सनब्लॉक लोशन है SPF 30++। मैं इतना लूँगी क्वांटिटी में और इसे जस्ट अपने चेहरे पर मैं स्प्रेड कर लूँगी टैप टैप करते हुए। हमें सनस्क्रीन को कभी भी रब नहीं करना चाहिए, हमें जस्ट एक लेयर लगानी होती है सनस्क्रीन की जो हमारी स्किन को सन के हार्मफुल रेज से बचाए। तो इस तरह से हम जस्ट इसे अप्लाई कर लेंगे और कुछ टाइम के बाद ये हमारे स्किन पर एब्जॉर्ब हो जाता है और बिल्कुल मैटिफाई हो जाता है। इसके बाद मैं लगाऊँगी हमारा फेशियल ऑयल। वैसे जब मैं नॉर्मली फेशियल ऑयल लगाती हूँ ना तो सनस्क्रीन के पहले लगाती हूँ, बट जब मुझे मेकअप करना होता है ना तो मैं सनस्क्रीन के बाद लगाती हूँ फेशियल ऑयल, क्योंकि ये अच्छे से हमारे स्किन को मॉइस्चराइज कर देते हैं जिससे फाउंडेशन बहुत अच्छे से अप्लाई होते हैं। तो मैंने लिया है गुड वाइव्स का फेशियल ऑयल। तो इस तरह से मैं सनस्क्रीन के ऊपर इस तरह से जस्ट टैप टैप करते हुए अप्लाई करूँगी, बिल्कुल भी रब नहीं करूँगी। स्किन केयर करने के बाद ना मैं 5 मिनट के लिए अपने चेहरे को एज इट इज़ छोड़ दूँगी, जिससे सारी चीज़ें अच्छे से मेरे चेहरे पर सेट हो जाए। उसके बाद मैं मेकअप करना शुरू करूँगी। मैंने प्राइमर के लिए लिया है लोटस का ऑयल फ्री प्राइमर जो जेल फॉर्म में आता है, तो इसे जस्ट मैं अपने हाथों पर लूँगी और अपने स्किन पर जहाँ पर मेरे फाइन लाइन्स हैं और ओपन पोर्स हैं, मैं उस एरियाज़ पर इसे अप्लाई करूँगी स्पेशली। प्राइमर लगाने के बाद मैं अप्लाई करूँगी कंसीलर, मैंने लिया है एलेगल का कंसीलर, जो मेरा शेड है वो प्योर बेज है।
क्योंकि मेरी अंडर आई जो है ना वो एक्सट्रीमली ड्राई है, तो एलेगल का ये जो कंसीलर है ना ये बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं होता है, तो ये मेरे अंडर आई को बिना ड्राई के कंसील करता है। तो इसलिए मैं इसे जस्ट अपने अंडर आई एरियाज़ पर अप्लाई करूँगी, उसे फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी मैं, और फेस के किसी भी पोर्शन पर आज कंसीलर अप्लाई नहीं करूँगी। कंसीलर अप्लाई करने के बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। इसके लिए मैंने लिया है एलेगल का HD लॉन्ग वेयर इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन। जो मेरा शेड है वो न्यूट बेज है, ये बिल्कुल कॉज नहीं करता है एक्ने और पिंपल को मेरे फेस पर, क्योंकि इवन मेरी स्किन ऑयली है बट मैं फिर भी विंटर्स में ना ड्राई फाउंडेशन यूज़ नहीं करती हूँ। अगर मुझे ड्राई टाइप वाले फाउंडेशन यूज़ करने भी होते हैं ना तो मैं उसमें अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फेशियल ऑयल को ऐड करके मिक्स करके तभी अप्लाई करती हूँ, अदरवाइज ना फेस बहुत ही केकी सा और ड्राई सा लगने लग जाता है, क्योंकि मेरी स्किन पर थोड़े पिंपल्स के मार्क थे, अनइवन स्किन टोन था, इसलिए मैं थोड़ा सा फाउंडेशन को और रिप्लाई कर रही हूँ उन जगहों पर, और इसे मैं वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही ब्लेंड कर लूँगी। जब भी आपसे एक्स्ट्रा फाउंडेशन लग जाए ना उसे ठीक करने के लिए आप अपने फेस को ब्यूटी ब्लेंडर के ऑपोजिट साइड से ब्लेंड कर लीजिए, जो भी एक्स्ट्रा फाउंडेशन होगा वो ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाएगा। इसके बाद अपने पूरे फेस के मेकअप को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का बनाना कॉम्पैक्ट, और इसकी हेल्प से मैं अपने चेहरे को टैप टैप करते हुए कॉम्पैक्ट अप्लाई कर लूँगी। बहुत ही माइल्ड इसका टेक्सचर है, बहुत ही ये अच्छे से आपकी स्किन पर एब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल भी आपके स्किन को वाइटिश नहीं दिखाता है, इंस्टेंटली ब्राइट कर देता है आपके चेहरे को, इसलिए मुझे बनाना पाउडर बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से पूरे चेहरे पर कॉम्पैक्ट अप्लाई कर लेने के बाद मैं सेटिंग स्प्रे का यूज़ करूँगी, जिससे जो भी फाउंडेशन एंड कॉम्पैक्ट मैंने लगाए हैं वो मेल्ट हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। इसके लिए मैंने पैक का सेटिंग स्प्रे लिया है। देन मैं अपने लिप को क्लीन कर लूँगी और लिप को मॉइस्चराइज़ कर लूँगी, जो बहुत ज़रूरी है। देन अपने आईब्रो को सेप करने के पहले मैं अपने आईब्रो को ब्रश कर लूँगी, और आज आईब्रो को बनाने के लिए मैं आईब्रो पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है मेबलिन का ब्राउन आईब्रो पेंसिल, और इसकी हेल्प से मैं अपने आईब्रो को शेप दे दूँगी। वैसे भी जब आप जल्दी में होते हैं ना तो आईब्रो पेंसिल जो होते हैं वो ज़्यादा हैंडी होते हैं, ज़्यादा ईजी होते हैं उसके हेल्प से आईब्रो को शेप देना, इवन ब्रश से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है जो मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि ये पेंसिल्स वाले ना थोड़े से क्रीमी होते हैं। तो इससे शेप देने के बाद मैं फिर से ब्रश यूज़ करूँगी जिससे ये ब्लेंडेबल लगे और बहुत नेचुरल लगे। देन हम अपना आई मेकअप शुरू करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट, और इसमें से मैं इन दो कलर को पिक करूँगी, ब्राउन और रस्टी ब्राउन कलर को, फ्लफी ब्रश की हेल्प से। और इस कलर को हमें प्लेस करना है हमारे आउटर वी और अपने आई क्रीज एरियाज पर। मैं 3 से 4 बार इस कलर को पिक करूँगी, इसे बिल्ड करूँगी। सेम हमें दोनों आईज पर कर लेना है, आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ। दोनों आई क्रीज पर आई शेडो को अप्लाई करने के बाद ना मैं सेम फ्लफी ब्रश को क्लीन कर लूँगी, और क्लीन ब्रश की हेल्प से मैं जो भी आई शेडो अप्लाई किए थे उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, स्पेशली अपर क्रीज के एरियाज पर, जिससे हमारा जो आई शेडो होगा ना वो ब्लेंडेबल लगेगा। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर, जो मेरा फेवरेट भी है और मुझे बहुत पसंद भी है, और मैं स्पंजिंग ब्रश की हेल्प से इसे पिक करूँगी, और इसे हमें अप्लाई करना है इनर कॉर्नर के आई से मिडल आई लीड तक। आप चाहे तो इसे आप फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट फिंगर की हेल्प से अप्लाई करने से ना इनर कॉर्नर में थोड़ा सा मेसी हो जाता है, इसलिए हम स्पंजिंग ब्रश का यूज़ करेंगे, क्योंकि स्पंजिंग ब्रश की हेल्प से ये ज़्यादा पिगमेंटेड दिखते हैं और ज़्यादा अच्छे से ये अप्लाई भी होते हैं। तो इस तरह से ब्रश की हेल्प से अप्लाई करने के बाद देन मैं फिंगर की हेल्प से अपने मिडल आई लीड पर इसे टैप टैप करते हुए अप्लाई करूँगी जिससे ये ज़्यादा पिगमेंटेड दिखें। देन मैं सेम ब्राउन कलर को पिक करूँगी फ्लफी ब्रश की हेल्प से, और अपने आउटर वी के एरियाज को ब्लेंड कर लूँगी। देन मैं प्लम का काजल लूँगी, और काजल की हेल्प से मैं अपने अपर वाटर लाइन एंड लोअर वाटर लाइन पर काजल अप्लाई कर लेंगे। जब हम इस तरह से काजल लगाते हैं तो हमारी आँखें ना और ज़्यादा डिफाइन दिखती हैं और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। काजल अप्लाई करने के बाद मैं आई लाइनर लगाऊँगी, और आज मैं कलरफुल आईलाइनर लगाने वाली हूँ। इसके लिए मैं ले रही हूँ इन कलर का ब्लू मेटालिक आईलाइनर। इसकी हेल्प से मैं विंग लाइनर बनाऊँगी और थोड़ा थिक लाइनर बनाऊँगी जिससे वो दिखे।
मुझे बड़ा अच्छा लगता है कलरफुल लाइनर लगाना, क्योंकि बिना एफर्ट किए ना कलर ऐड हो जाते हैं आंखों पर, तो बड़े ब्यूटीफुल और बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। इस तरह से लाइनर लगाने के बाद हम पॉइंटेड ब्रश में ब्लैक आई शेडो पिक करेंगे और अपने लोअर काजल को हम इस तरह से स्मच कर लेंगे। देन मैं अप्लाई करूँगी पैक के फॉल्स लैशेज एंड मेबलिन का कॉलोजल मस्कारा। फॉल्स आई लैशेज स्टिक करने के पहले मैं मस्कारा अपने अपर आई लैशेज एंड लोअर आई लैशेज पर अप्लाई कर लूँगी, उसके बाद ही मैं स्टिक करूँगी फॉल्स लैशेज। स्टिक करने के लिए मैंने पैक का ही ग्लू लिया है और उसकी हेल्प से मैं स्टिक कर लूँगी फॉल्स आई लैशेज को। देन ब्लशर के लिए मैंने लिया है एलेनर का ब्लशर, जो मेरा शेड है वो समर कोरल है। बड़ा ही मैट ये शेड है, बड़ा ही नेचुरल इसका फिनिशिंग है, डे टाइम के लिए परफेक्ट है। सारे प्रोडक्ट की डिटेल ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन डिटेल में दे दूंगी, तो अगर आप चेक करना चाहें तो जाकर चेक कर सकते हैं। हाइलाइटर के लिए मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाइलाइटिंग पाउडर। ये ना मेरा फेवरेट वाला हाइलाइटर है, मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल फिनिशिंग देता है, बिल्कुल भी ओवर नहीं दिखता है, तो स्किन पर ये बहुत नेचुरल दिखता है। डे टाइम के लिए भी ये बेस्ट है, तो मैं बहुत ही थोड़ा सा अप्लाई करूँगी अपने चिक बोन्स पर और जो भी फिंगर्स में बचे होंगे ना उसे ही अपने नोज़ ऑफ द ब्रीज पर भी अप्लाई कर लूँगी। लिप कलर के लिए मैंने ओरिफ्लेम का मैट लिक्विड लिपस्टिक लिया है। अपने लिप को पहले लाइन कर लूँगी, शेप दे दूँगी, उसके बाद ही मैं इसे फिल इन करूँगी। मैंने लिप कलर के लिए पिंक कलर को चूज़ किया है क्योंकि पिंक और ब्लू का कॉम्बिनेशन ना मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है इसीलिए। देन इस तरह से मेरा ये मेकअप लुक कंप्लीट होता है, बट मैं यहाँ इयररिंग भी ऐड करूँगी क्योंकि बिना इयररिंग के तो मुझे लगता है कुछ अधूरा सा, तो इसीलिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। सी यू टू माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।